बच्चों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन टू सर्कुलर कॉइल वन ऑफ स्मॉल रेडियस आर वन एंड अदर ऑफ वेरी लार्ज रेडियस आर टू आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइड। सो ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो बच्चों ये अरेंजमेंट है आपका, ये एक बहुत लार्ज रेडियस की रिंग है जिसकी की रेडियस R2 है और एक इनर रिंग जिसकी की रेडियस R1 है। दोनों ही रिंग के जो सेंटर हैं वो एक ही पॉइंट पर हैं। तो हमें इस अरेंजमेंट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कंसिडर किया कि इस आउटर रिंग में I2 करेंट फ्लो हो रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आउटर रिंग या आउटर कॉइल। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने एक्सप्रेशन पहले पढ़ा ही था। तो कंसीडर किया कि इस आउटर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2 है और दिस B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू I2 अपॉन R2 के इक्वल होगी। और बच्चों कंसीडर किया है जो क्वेश्चन में गिवन है ये R1 बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू R2। तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि इस इनर रिंग के होल एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो B2 है। सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनर कॉइल बच्चों इसकी वैल्यू आपने फाई कंसीडर की और फाई होता है बच्चों बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड आपका और एरिया वेक्टर जो आपके इनर कॉइल का है दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं फाई इक्वल टू बी टू इंटू ए वन वेयर ए वन इज द एरिया ऑफ दिस इनर कॉइल सो दैट इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर। सो दिस फाई इक्वल टू बी टू की आपने वैल्यू पुट की सो दैट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू आई टू अपॉन आर टू इंटू पाई आर वन स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को मैं अरेंज करता हूं सो दिस फाई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू इंटू आई टू। यानी बच्चों इस प्राइमरी कॉइल कंसीडर किया मैंने इस आउटर रिंग को जिसमें कि आई टू करंट फ्लो हो रही है और इनर कॉइल जो कि आपकी सेकेंडरी कॉइल है जिससे पास होने वाला फ्लक्स म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू इंटू आई टू है। और ये एक्सप्रेशन आपको पता ही है दिस फाई इक्वल टू एम इंटू करेंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल सो दैट इज द आई टू। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो यहां से मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू फाइंड आउट होगी। दिस इज द म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।